कभी कभी क्या होता है कि जब हम घर पर किसी भी दाल या सब्जी के साथ चावल बनाते हैं ना, तो चावल कभी कभी बच जाते हैं। तो इन बचे हुए चावलों को हम वेस्ट ना करके इन्हें इस तरह का बढ़िया सा प्याज टमाटर का तड़का लगाकर खाएं, तो ये तड़के वाले चावल सबको बहुत ही पसंद आएंगे। वेज जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट बन जाने वाले ये तड़के वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। चावलों को तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, फिर इस कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे। और जब तक ऑयल गरम होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मेरे पास रात के बचे हुए एक बाउल चावल हैं। तो जो बाउल भी हमारे घर पर होते हैं ना, वो कई अलग अलग साइज़ के होते हैं, कोई बड़े कोई छोटे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये वज़न में करीब 200 ग्राम कच्चे चावल होंगे। अब तक तो ऑयल भी गर्म हो गया होगा, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते, साथ में ही आधा टीस्पून सरसों के दाने और 1 टीस्पून भरकर जीरा। और जब जीरा और सरसों अच्छी तरह से तड़क जाए ना, तब हम इसमें 1 टीस्पून भरकर एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून भरकर एकदम बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। और अदरक और लहसुन को बस थोड़ी देर भूनेंगे, करीब आधा मिनट तक बस। इन्हें हमें कोई डार्क नहीं करना, कोई जलाना नहीं है, बस थोड़ी देर भून लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें इस तरह के लंबाई में कटे हुए 4 मीडियम साइज़ के प्याज भी ऐड कर देंगे और प्याज को भूनना शुरू कर देंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर हाई ही रखनी है और हाई फ्लेम पर ही इन्हें लाइट सा ब्राउन होने तक भूनेंगे बस। इन्हें हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और जब प्याज हल्के हल्के से ब्राउन कलर में आ जाएं, तब हम इसमें इस तरह के बड़े बड़े लंबाई में कटे हुए 3 मीडियम साइज़ के प्याज भी ऐड कर देंगे और साथ में ही 3-4 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। अब साथ में ही मैं इसमें 3/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। हमारे चावलों में नमक है या नहीं, इसी के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी ऐड करेंगे। मेरे पास जो चावल हैं, इनमें हल्का सा नमक है, इसलिए मैंने 3/4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। नमक मिक्स करके टमाटरों को बस 1 मिनट तक ही भूनेंगे। हमें इन्हें मैशी सा नहीं करना है। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ, तब हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे, लेकिन पहले गैस की फ्लेम को सिम करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला। बस बहुत ही कम मसालों में बहुत ही जल्दी बन जाने वाले ये तड़का राइस हैं, जो बहुत ही स्वाद भी लगते हैं। अचानक घर पर कोई गेस्ट आ जाए तो हम इस तरह से बढ़िया सा तड़का लगाकर तड़के वाले चटपटे चावल जल्दी से बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। अब मसाले मिक्स करके मैंने इन्हें कोई आधा को मिनट तक भून लिया है। देखिए तड़के में से ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो गया है, यानी कि तड़का तैयार है। तो अब जब तड़का तैयार हो चुका है, तो हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। मैं आज यहाँ पर ये रेसिपी बचे हुए चावलों से बना रही हूँ। हम फ्रेश चावल बनाकर भी ये रेसिपी बना सकते हैं, पर तड़का लगाने से पहले हमारे चावल एकदम ठंडे होने चाहिए, तभी ये तड़का राइस एकदम बढ़िया और खिले खिले बनेंगे। वरना गरम गरम चावलों से बनाएंगे तो ये स्टिकी से बनेंगे, जो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेंगे। अब मैंने सारे चावल और तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद अब इनके ऊपर खूब सारा कटा हुआ फ्रेश धनिया भी ऐड करेंगे और धनिया को भी हम हल्के हाथ से चावलों में मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, बचे हुए चावलों से बढ़िया से तड़के वाले चावल बनकर खाने के लिए तैयार हैं। तड़के वाले चावल बहुत ही बढ़िया बने हैं, बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं। आप इनका टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया आया है। तड़के वाले चावलों को लंच में या डिनर में दही के साथ, रायते के साथ खाइए, या फिर इन्हें ऐसे ही खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी इसी तरह से चावल बनाइए, बनाकर सबको खिलाइए, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।